इस लड़के से मेरी एफबी पे दोस्ती हुई थी, ठीक है, इससे मेरी एफबी पे दोस्ती हुई थी, धीरे धीरे मेरे हम लोग दोनों की फ्रेंडशिप हुई, और ये लड़का मुस्लिम था ये मुझे नहीं पता था, मतलब मैं जानती हूँ कि आकाश है, आकाश इसने अपना नाम बताया था, इससे धीरे धीरे मेरी फ्रेंडशिप हो गई, उसके बाद हमारी बोलचाल हो गई, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, फिर इसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब मैं इसकी बातों में आ गई, जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, मैं पता है मैं 2 बार प्रेगनेंट भी हो चुकी हूँ, तो मैंने इससे कहा कि अब क्यों ना शादी ही कर लेते हैं, तो उसने फिर बताया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो मैंने कहा क्यों तुम शादी नहीं कर सकते, तो उसने मुझसे बोला कि देखो मैं तुमको आज सच बताता हूँ, तो मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम ना ही आकाश है, मेरा नाम इमरान है, जो कि यहाँ पे रहने वाला, मतलब नैनी में रहता है, उसका घर है, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, और मेरी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है जिससे मेरा केस भी चल रहा है, उसने ये मुझे बताया, और मैं एकदम शॉक्ड हो गई ना उसकी बात सुन के, फिर मैं उसने मुझे बताया कि मेरा नाम इमरान है, उसने कहा अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको धर्म परिवर्तन करना होगा, मतलब तुमको हमारे मुस्लिम में आना होगा, तो इस चीज़ के लिए जब मैंने मना किया तो उससे मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने मुझे मारा पीटा और मुझे बेल्ट से मारा, अभी 25 तारीख की रात को ये 9:30 बजे रात आया, वो भी एक पिस्टल लेके, एक इसके पास पिस्टल है, ये पिस्टल से डराता है, और इसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बनाए हैं जिससे ये मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैं कुछ इसके खिलाफ करती हूँ तो ये मुझे और मेरी बेटी को जान से मार देगा। तो ये आपके ऊपर दबाव बना रहा है, इस्लाम बिल्कुल बिल्कुल अपना रहा है, बनाने के लिए अपना रहा है, इसलिए मैं इसके लिए राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं कैसे वो कर लूँ, और मैं एकदम शॉक्ड हो गई ना, क्योंकि मैं उसको समझ ही नहीं पाई, उसने प्यार का झांसा दिया और मैं भी फंसती चली गई। कितने साल तक रिलेशनशिप में थी? मैं इसके साथ साल भर से हूँ, जी हाँ। ये झगड़ा अभी हुआ? ये झगड़ा अभी परसों हुआ है, तब इसने बताया ऐसी ऐसी बात है, और इसने मुस्लिम, तभी उसने बोला कि आप मुस्लिम बनो, धर्म परिवर्तन बनो, ताकि मेरी फैमिली को भी लगे ना कि आप मुस्लिम हो। कभी शक नहीं हुआ इधर साल भर के लिए? नहीं नहीं, अभी कुछ ऐसा शक ही नहीं है, कुछ डाउट ऐसा हुआ ही नहीं, और इसके बाद मैं कल नैनी थाने में मैंने कंप्लेन भी की, जाके मुकदमा लिखवाया है इस लड़के के नाम, इस लड़के को लेके आए हैं, लॉकअप में बंद भी किए हैं, लेकिन अभी तक मेरी FIR नहीं की गई है, मैं पता नहीं क्यों FIR नहीं, और ना ही मेरा मेडिकल अभी तक कराया गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि FIR हो और इस लड़के को कई से कई सज़ा मिले, ताकि दूसरों की लड़कियों के साथ इस तरह ना कर पाए, क्योंकि पता है इसकी लाइफ में मैं ही नहीं, ऑलरेडी 2-3 लड़कियाँ हैं इसकी लाइफ में, वो भी सारी हिंदू, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भाई इंसाफ हो, ताकि अगला भी इसका चेहरा सामने है, ताकि अगला भी सेफ हो जाए, कुछ करने से पहले जो चीज़ मेरे साथ है वो अगले के साथ ना।